और बड़ी खबर यूपी से, जहां बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। सीबीएसई ने आगामी 2024 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए डेट शीट जारी कर दी है। 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं फरवरी के मध्य से शुरू होंगी और मार्च के अंत तक समाप्त हो जाएंगी। अगर आपको लैपटॉप या टैबलेट अगर अभी तक नहीं मिला है तो अभी आप अपना फॉर्म भरने के लिए तुरंत अप्लाई कर दें। अगर आप भी टैबलेट और लैपटॉप सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में जाकर के बोर्ड परीक्षा 2024 जरूर लिखें, ताकि आपके बोर्ड से संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों आपको बता दें, परीक्षाओं का आयोजन कड़े कोविड-19 सुरक्षा मानकों के तहत किया जाएगा। इस वर्ष की परीक्षाओं में टाइमिंग और पेपर के स्वरूप में कुछ बदलाव किए गए हैं। विद्यार्थी विभिन्न स्रोतों से पढ़ाई कर सकते हैं, जिसमें ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का भी अहम योगदान रहेगा। नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 का सीबीएसई बोर्ड के छात्रों पर गहरा प्रभाव पड़ा है और इस नीति के तहत पाठ्यक्रम में विविधता और विद्यार्थियों के कौशल विकास पर जोर दिया गया है। अब बोर्ड परीक्षाएं केवल ज्ञान के आधार पर ही नहीं बल्कि छात्रों की सृजनात्मकता और तार्किक क्षमता की जांच के लिए भी आयोजित की जा रही है। इसके तहत सिलेबस में भी संशोधन किया गया है, जिसके तहत यह अधिक व्यवहारिक हो सके और सीबीएसई ने अपने मूल्यांकन मानकों में सुधार की घोषणा की है। अब बोर्ड परीक्षा के अलावा आंतरिक मूल्यांकन और सह शैक्षणिक गतिविधियों पर भी अधिक ध्यान दिया जाएगा। छात्रों को अब तक अधिक क्रेडिट आंतरिक परीक्षाओं और प्रोजेक्ट वर्क और गतिविधियों के आधार पर नंबर मिलेंगे। इससे छात्रों का केवल बोर्ड परीक्षा पर निर्भर रहने का दबाव कम हो जाएगा और समग्र विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। सीबीएसई ने छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षा के संसाधनों में भारी विस्तार किया है। हाल ही में दीक्षा ऐप और अन्य कई ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है, जहां छात्र अपने पाठ्यक्रम के सभी विषयों की तैयारी ऑनलाइन कर सकते हैं। इससे ग्रामीण और सुदूर इलाकों के छात्रों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के इस ताजा अपडेट पर नजर बनाए रखें और समय पर तैयारी शुरू करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।